परपांता साहिब में पिछले कुछ दिनों से महिलाओं और युवतियों के साथ आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर काबू पाने में पुलिस प्रशासन नाकाम साबित रहा। पांटा साहिब के एक ऐसा ही मामला सनसनीखेज जो था वो सामने आया। 17 जनवरी को लापता हुई 16 साल की स्कूली छात्रा की लाश यमुना नदी में मिली है। 16 साल की नाबालिग का शव शहर के शमशान घाट के पास यमुना नदी के में मिला। संदिग्ध हालत में जो शव मिला था, इलाके में हड़कंप फैल गई। सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद शव की शिनाख्त के लिए परिजनों को बुलाया गया। इसके बाद परिजनों ने उसे पहचान लिया। मृतक के परिजनों के मुताबिक 16 जनवरी को मृतक ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी, जिसके बाद वो घर लौटकर वहीं आई। उसके बाद शव मिला, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। तारूवाला से जो गायब थी उसकी डेड बॉडी आज शमशान घाट के पीछे पानी में जो है तैरती हुई मिली है, और इसमें जो है हमने पोस्टमार्टम के लिए कल 9:30 बजे इसका पोस्टमार्टम होगा, जिसमें डॉक्टर्स की टीम, जिसमें एक लेडी डॉक्टर भी होगी, उसकी टीम द्वारा करवाया जाएगा। और ऑलरेडी हमारी इसमें 363 में FIR दर्ज है। फर्दर जो भी इसमें कार्रवाई नियमानुसार बनेगी वो हम अमल में